10,000 रुपए की रिश्वत लेते एक सीईओ को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। छतरपुर में 5 लाख का बिल पास करने के लिए ये 10,000 रुपए घूस ले रहा था। छतरपुर में एक और रिश्वतखोर अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। छतरपुर के गोरियारा जनपद के सीईओ जयशंकर तिवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते सागर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर अधिकारी सचिव रॉबिन मिश्रा से 5 लाख की सड़क निर्माण के बिल पास करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत सचिव ने सागर लोकायुक्त से की थी। आज जैसे ही जनपद में सीईओ को सचिव ने रिश्वत दी, वैसे ही सागर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। मामला ये है कि सांसद निधि आज से 1.5 साल पहले आई थी। 1.5 साल पहले हमने पूरा काम करवा दिया था उसका, तो सेकंड किस्त आई है, सेकंड किस्त इनके जमाने में आया, इनके कार्यकाल में। तो उसमें इन्होंने क्या है, खाते में पैसा डाला, दुकानदारों का पैसा देना था, उसमें इन्होंने 10,000 रुपये कमीशन मांगी। तो 2% के हिसाब से 10,000 रुपये इन्होंने अभी ले लिए। 10,000 रुपये मांगा था 5 लाख रुपये, और इसके पहले 1 लाख रुपये हमसे लिया। आज हमने जनपद पंचायत सीईओ गोरीहार को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। रॉबिन मिश्रा आवेदक ने जो है 9 तारीख को शिकायत की थी कि पंचायत के कामों के लिए जो है वो सीईओ साहब जो है 2% कमीशन की मांग कर रहे हैं, 10,000 की मांग कर रहे हैं। उसको हमने तस्दीक किया, सही पाया और आज स्टेट की कार्रवाई की और आज हमने उनको 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत विधिवत कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।